वेलकम बैक टू स्टूडेंट लिमड़ा क्लासेस में फिर से आपका स्टूडेंट स्वागत है। स्टूडेंट, आज के ये लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है गॉसेस लॉ, गॉसेस थ्योरम। तो स्टूडेंट, गॉसेस थ्योरम के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्लोज सरफेस विच क्लोज द चार्जेस लीड्स एस टू वर्ड्स द गॉसेस लॉ। स्टूडेंट ये कहना चाहता है कि गॉसेस लॉ बताता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज एंक्लोज करके रखते हैं तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होता है, बराबर वो फाइंड आउट करना है। तो आप देखो आगे। सो स्टूडेंट, तो इसके लिए हमने एक क्लोज सरफेस कंसीडर किया है, ठीक है, और एक चार्ज क्लोज सरफेस का जो चार्ज है सरफेस के लिए एक पॉजिटिव क्यू चार्ज एंक्लोज करके रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज एंक्लोज करके रखा है जो कि क्यू चार्ज के एंक्लोज करता है। इसके लिए टोटल फ्लक्स और इसके लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और सरफेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई एंड सरफेस वेक्टर इक्वल टू डी एस। तो टोटल फ्लक्स के इवैल्यूएट करना है और इसके अंदर इंटीग्रल है तो उसके अंदर इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल मतलब कि इंटीग्रेशन की जो साइन है वो, ठीक है। और ये आपको बताता है कि सरफेस इंटीग्रल है। सरफेस इंटीग्रल का मतलब कि इंटीग्रेशन के बाहर जो एस लिखा है वो सरफेस इंटीग्रल। ये क्लोज इंटीग्रल है, इसके लिए हमें एक क्लोज इंटीग्रल करना है। ये पूरा सरफेस का फ्लक्स बन गया। तो बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम देखें कि जो क्यू चार्ज है एंक्लोज करके रखता है, ठीक है, जो आप देख सकते हो क्यू चार्ज एंक्लोज करके अगर रखता है तो इसका टोटल फ्लक्स क्या बनेगा। तो टोटल फ्लक्स स्मॉल क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। अब उसे प्रूव करना है, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो को हमको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अब उसे क्लोज सरफेस का रेडियस क्या है। आप देख सकते हो कि क्लोज सरफेस का रेडियस आपका बन गया स्मॉल आर, ठीक है। मतलब कि जो गॉसियन थ्योरम के अंदर जो क्लोज सरफेस है उनका रेडियस आर। एंड चार्ज बॉडी का जो सेंटर है, ठीक है, चार्ज बॉडी का जो भी सेंटर है और ये पॉइंट है वहाँ पर सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई है, जो आप बिल्कुल फिगर के अंदर देख सकते हो, बराबर। तो इसका रेडियस आर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ई है, इसकी डायरेक्शन आपको दे रखी है तो आप इजीली देख सकते हो इसके अंदर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड बताता है कि मॉड्यूलस ई मैग्नीट्यूड के अंदर ई इक्वल टू 1/4π ε₀ इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। तो स्टूडेंट ये आपका क्या बना, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बना जो मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड बनता है यहाँ पर। और यहाँ पर एक स्मॉल पॉइंट में एक कंसाइडर करना है और ये बताता है कि चार्ज बॉडी से सरफेस आर कितना होगा। एंड नेक्स्ट सेकंड पॉइंट सेम टू सेम कोई दूसरी डायरेक्शन के अंदर हम लेने वाले हैं, कोई दूसरी डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है वो देखनी है। तो कोई अलग से डायरेक्शन लेने वाले हम, तो इसका नाम मैंने रखा है बी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट बी इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ई मिला हमको और इसका नाम दिया मैंने बी। तो फिगर के अंदर देख सकते हो स्टूडेंट कि अलग अलग दो
डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन लो के ऊपर से करना है। पॉइंट ए और पॉइंट बी का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है, वो हमें पता है। जब दो वेक्टर, ठीक है, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर है तो इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग रहेगा, आप सबको पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जो भी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ई है, सेकंड एज वेल एज वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या मिला हमको, वो भी ई मिला बराबर। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की ए का जो मैग्नीट्यूड है इसका नाम मैं लिखूंगा ए, सेकंड का नाम मैं कर देता हूँ ई वन। तो दोनों को मैं इक्वल करके ऐसे लिख सकता हूँ ई इक्वल टू ई वन। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फ्लक्स क्लोज सरफेस, कैसी क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल की जो साइन मैंने रखी और एस लिखा वो क्लोज सरफेस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस वेक्टर डीएस बराबर, जो आप देख सकते हो एकदम। और वेक्टर ए और बी का सरफेस वेक्टर डीएस मिला हमको, ठीक है। वेक्टर ई एंड ई वन का जो सरफेस वेक्टर है दोनों का सेम रहेगा डीएस डीएस। सपोज कोई नई जगह पे पॉइंट मुझे सरफेस वेक्टर बनाना है, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो लेट मी सी। तो अलग अलग से मैं कोई सरफेस बनाने वाला हूँ, तो कोई थर्ड डायरेक्शन के अंदर मैं अलग अलग से एक डायरेक्शन लेके मैं बनाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो भी सरफेस वेक्टर बनेगा वो भी डी एस और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। और ई इंटू डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सरफेस वेक्टर को इवेल्यूएट करते हैं, तो इसका नया फॉर्मूला एक ऐसा बनेगा सर इंटीग्रल एस अंदर ई का मैग्नीट्यूड इंटू डी एस इंटू कोस थीटा। यहाँ पर कोस थीटा मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या कंसीडर करती है, थीटा की वैल्यू वो कंसीडर करती है कि एंगल बिटवीन द एंड डी एस की डायरेक्शन बराबर, वेक्टर डी एस की डायरेक्शन वो कंसीडर करती है, ठीक है, वेक्टर डी एस की डायरेक्शन कंसीडर करती है। और सरफेस इंटीग्रल यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल आप सबके देख सकते हो बराबर, डी एस ई की डी एस ए की डी एस बी की डी एस एंड जो थर्ड डायरेक्शन मिली इसकी भी डी एस जो डायरेक्शन है। तो तीनों तीन डायरेक्शन का मैं अगर लेने वाला हूँ तो इसकी सरफेस इंटीग्रल कैसे बनेगी, तो इंटीग्रल एस इंटू ई डी एस, जो E है वो क्या है, कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड का, ठीक है, मैग्नीट्यूड का एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई मुझे। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रल के बाहर कांस्टेंट को निकालता हूँ, तो इंटीग्रल के बाहर मैंने कांस्टेंट E को निकाला है तो वो बाहर निकल गया। और इंटीग्रेशन के अंदर डी एस ई क्या है, मैग्नीट्यूड है यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसके लिए मैंने उसको बाहर निकाला। तो नेक्स्ट बट ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है क्या है, 1/4πε0 इंटू q/r² वो नए इक्वेशन के अंदर पुट करनी है बराबर। एंड छोटे छोटे डी एस कितने, बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पर डी एस आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे डी एस यहाँ पर छोटे छोटे दिखाई देंगे। डी एस मतलब कि जो भी डायरेक्शन है मेरा जो पॉइंट तो जाता है वहाँ पर आप देख सकते हो कि डी एस का आपका ऊपर छोटे छोटे ये बन गया आपका एक डी एस, और दूसरा कोई भी डायरेक्शन के अंदर अलग अलग डी एस मिल सकता है। तो वो जितने भी डी एस है बराबर, तो स्टूडेंट जितने भी डी एस है तो डी एस का हम क्लोज सरफेस के अंदर उसको मिलाएंगे बराबर। तो
तो क्लोज सरफेस के अंदर मिलाएंगे, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 4πr, हम इजीली इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सरफेस इज चोज सच दैट द फ्लक्स थ्रू इट कैन बी इजीली इवैल्यूएटेड, ठीक है। एंड जो भी एनक्लोज सरफेस होती है एप्लीकेशन के अंदर, और इसकी इंटेंसिटी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज स्फीयर को कंसीडर करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इवैल्यूएट कैसे कैसे कंसीडर करनी है क्वेश्चन सरफेस के अंदर, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन स्लो है, और इसको कैसे हम कंसीडर करेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे। सो इंटेंसिटी फील्ड इंटेंस इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर, तो नेक्स्ट इंटेंसिटी फील्ड इनसाइड होलो स्फीयर, जो हमने देखा कि गॉसियन के अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे कंसीडर करें, ठीक है। तो कैसे हम इसकी जो भी वैल्यू है वो कैसे कंसीडर करनी है, हमने देखा कि गॉसियन लॉ के अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो भी वैल्यू है बराबर, वो कंसीडर यहाँ पर करनी है। जो भी एनक्लोज सरफेस है, सेंटर लेवल से जो आउटर सरफेस के ऊपर आप देख सकते हो कि जो भी कैपिटल आर दे रखा है उसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। सो इनसाइड द स्पीयर की रेडियस आर, ठीक है, फर्स्ट आर एंड सेकंड सेम टू सेम आर डेस, और ये चेंज सरफेस गॉसियन सरफेस है यहाँ पर, बराबर। तो लेट फ्लक्स फाइव बी द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस इक्वल टू जीरो, गॉसियन सरफेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इक्वल टू जीरो है, और गॉसियन लॉ यहाँ पर फ्लक्स, गॉसियन लॉ यहाँ पर मैं यूज करूँगा, तो चेंज एनक्लोज बाय द सरफेस, तो नाउ यूज गॉसियन लॉ की वैल्यू 5e इक्वल टू टू चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस q अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू 0 बाय e 0, तो 5c इक्वल टू 0, बराबर। 5c q की वैल्यू 0 रखी थी, इसके लिए 5e की वैल्यू मुझे 0 मिली, 5e इक्वल टू e इंटू कैपिटल A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, बराबर। बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू A इक्वल टू 0 बनेगा, क्योंकि A, डायरेक्शन ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर। क्योंकि A की डायरेक्शन 0, A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट E की कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है, बराबर। तो कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0, बराबर। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको 0 ऐसे मिलेगी। नाउ कंक्लूजन हमको क्या मिला, कंक्लूजन हमको ये मिला कि इलेक्ट्रिक की इंटेंसिटी है वो चार्ज मेटल स्पीयर फील्ड फ्री रीजन, ठीक है, वो स्पेस के अंदर रेडिएशन अगर ज़्यादा होती है, इसके लिए ह्यूमन को क्या होता है, इंसान के लिए बहुत खतरा होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ये मेथड वहाँ पर काम करती है, क्योंकि रेडिएशन इंसान के लिए वहाँ पर ज़्यादा हो सकती है स्पेस के अंदर, और मेनली सबसे ज़्यादा वहाँ पर इफेक्ट भी करता है, इसके लिए ये मेथड यहाँ पर काम करती है। नाउ न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक है
वो इंटेंसिटी शीट ऑफ चार्ज की फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेट मी सी, कोई एक शीट लेनी है फर्स्ट। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी क्या होगी, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, सो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, जो सर्टेन डिस्टेंस पी के ऊपर जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो लेनी है। तो कोई एक सरफेस में इसके एनक्लोज कोई एक टुकड़ा आपको लेना है और पी की कोई भी डायरेक्शन के अंदर उसको वहाँ पर लगाना है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में गॉसियन सरफेस को कंसीडर करना है, बराबर। जो टुकड़ा मैंने बोला था वो गॉसियन सरफेस का टुकड़ा रहेगा और फ्लक्स और ई ए के साथ इसको कंपेयर करनी है स्टूडेंट, बराबर। तो इसको ऐसा कंपेयर करनी है, तो नेक्स्ट मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पर आप कंपेयर करोगे तो फ्लक्स और इसके साथ कंपेयर करोगे तो इसकी कोई वहाँ पर वैल्यू मिलेगी, मतलब कि अलग अलग इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, अलग अलग इसकी डायरेक्शन हो सकती है। ऐसे मतलब कि इसकी सरफेस अलग अलग है, तो इसकी सरफेस की वैल्यू हमको कैसे मिल सकती है, 5 1 5 2 5 3, बराबर। जितने भी इसकी सरफेस है, इसकी टोटल सरफेस, जितने भी सरफेस है इसका एडिशन, एंड नेक्स्ट फ्लक्स का रिलेशन। फ्लक्स का रिलेशन क्या है, फ्लक्स का रिलेशन 5 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, सरफेस ई एरिया है वहाँ का, जो नॉर्मल एक बैक साइड जो दे रखा है, बराबर एनक्लोज करा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, जो एनक्लोज करा है जो बैक साइड, उसकी जो पीछे की साइड होगी वहाँ पर भी सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी जो भी एरिया की जो वैल्यू जो पोजीशन है वो वहाँ पर लिखनी है आपको। ठीक है, तो इसकी न्यू वैल्यू कैसे लिख सकते हो आप, तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। सो 5 1 5 2 और 5 3 की जो वैल्यू है वो मैं पुट करूँगा यहाँ पर, ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री प्लस ई ए कॉस 19 डिग्री। ठीक है, तो ई ए कॉस 0 की वैल्यू विल बी 1, सो नाउ और कॉस 19 की वैल्यू मुझे मिलेगी 0। सो ई ए इंटू 1 प्लस ई ए इंटू 1, तो ई ए प्लस ई ए इक्वल टू 2 ई ए, बराबर। तो 5 ई की वैल्यू मुझे मिली 2 ई ए, सो इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाइंग गॉसियन लॉ, तो स्टूडेंट गॉसियन लॉ को मैं ऐसे अप्लाई करूँगा, तो 5 इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, तो कितना चार्ज एनक्लोज करते हैं यहाँ पर, बराबर कितना चार्ज एनक्लोज करते हैं, ए इक्वल टू एरिया है, सिग्मा इक्वल टू चार्जेस है और चार्जेस ऑफ डेंसिटी है, बराबर। और यहाँ पर मिलता है 5 इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0, बराबर। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2 ई ए इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन 0। नाउ दोनों साइड जो भी सेम वैल्यू है, ए और ए की कैपिटल ई विल बी कैंसिल आउट, सो न्यू वैल्यू विल बी कैपिटल ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। सो स्टूडेंट यहाँ पर मुझे एक वैल्यू मिली है जो करती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज की वैल्यू को कंसाइडर करती है, बराबर। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 इनटू आर।